हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का विकास का सेकंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट है उसके अपने डिस्कशन करेंगे। उसमें अपने बात करेंगे सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 8। सेक्शन सी के चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 यूट्यूब पे अपलोड करके रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। आज अपने स्टार्ट करने वाले 8 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 से। 1 टू 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, 6 से आज स्टार्ट करेंगे। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। डायगोनल्स ऑफ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले अपने क्या ड्रॉ करेंगे, रोमबस ड्रॉ करेंगे। करेक्ट, इस टाइप का रोमबस ड्रॉ करें आपने। लिखो यहाँ पे ए बी सी डी। उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ई। ओके राइट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, प्रूव क्या करना है, ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोमबस परपेंडिकुलर ईच अदर आपको प्रूव करना है। ओके राइट, ओके लेट्स स्टार्ट। ए बी सी डी इज अ रोमबस, ए बी सी डी इज अ क्या लिखेंगे, रोमबस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। ओके राइट, करेक्ट। तो अपने यहां पे दो ट्राइंगल चूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल चूज करेंगे ट्राइंगल ए डी ई। एक ए बी ई लिया, दूसरा ए डी ई लिया आपने। ओके, तो ये दो ट्राइंगल में क्या प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले रोमबस है मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी, करेक्ट, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। सेकंड थिंग्स, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय साइड, रोमबस है मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी ई इज इक्वल टू डी ई, राइट, यहाँ तक का। इसके अलावा इन दोनों बीच में एक ये कॉमन साइड है आपकी, ए इज इक्वल टू ए, करेक्ट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कॉमन साइड, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इक्वल, राइट, बोथ साइड आर इक्वल, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपने को क्या प्रूव होगा कि ट्राइंगल ए बी ई होगा इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ए डी ई, राइट। ये दोनों कैसे हो गए आपके ट्राइंगल, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 लीनियर पर हो जाएगा। तो दोनों एंगल आपके कैसे हो गए, इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि सीपी सीटी थ्रू क्या बता दिया जाएगा कि ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 के मिलेंगे, करेक्ट। एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, करेक्ट, राइट। चलो, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए एक दूसरे के, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। रीड करो फर्स्ट क्वेश्चंस, क्या गिवन है आपको। डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, सेम एंगल सी को भी बाइसेक्ट करना है, आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी डी, करेक्ट, ए बी सी एंड ये डी, ये डायगोनल्स मैंने ये बना दिया, ये दोनों इक्वल है, बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, लिखना है क्या, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, डन। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, जितना डी ए सी होगा उतना ही बी ए सी होगा। तो लिखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, राइट। इसको जो इक्वेशन नंबर 1, अगर पैरेललोग्राम बताया गया है तो ए बी पैरेलल टू सी डी क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, एंड आपका ए सी क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल, याद रखना, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। अगर ए सी आपका ट्रांसवर्सल बनता है
तो यहां पे क्या है मिलेगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, करेक्ट। इसको दे इक्वेशन नंबर टू, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, ये बी ए सी और डी सी ए दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, इक्वल हो गए, राइट। सेकंड थिंग बात करेंगे फिर से, ए डी पैरेलल टू बी सी, करेक्ट, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड फिर से ए सी आपका क्या बनेगा, इसके अंदर ट्रांसवर्सल बनेगा। अगर ये ट्रांसवर्सल बनता है तो एंगल क्या आएगा, डी ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी सी ए, बी सी ए, इसको दे इक्वेशन नंबर थ्री। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री से क्या आ जाएगा, ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वन टू ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके, तो लिख दो एंगल डी ए सी, तो दोनों जगह पे डी ए बी ए सी डी ए सी, राइट, एंगल सेम हो जाएंगे, तो लिखो यहाँ पे डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, करेक्ट। मीन्स क्या हुआ कि जितना एंगल डी सी ए होगा उतना ही एंगल आपका क्या मिलेगा, बी सी ए, सो दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, करेक्ट। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट की बात करेंगे, रीड करो क्वेश्चंस। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। प्रूव करना है कि ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं रिक्टेंगल ए बी सी एंड डी, करेक्ट, इस तरह का है। उन्होंने बता दिया ए बी सी डी इज अ रिक्टेंगल, रिक्टेंगल होगा तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बनेगा, जितना ए बी उतना ही आपका सी डी, करेक्ट। इसके अलावा जितना बी सी बनेगा उतना ही आपका ए डी होगा, ओके। बट उन्होंने बता दिया एंगल ए एज वेल एंगल सी, मतलब ये दोनों एंगल आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो गए। सो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ये चीज याद रखना, ओके। ए सी बाइसेक्ट, ए सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एंगल सी, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या आपने कि भाई जितना एंगल डी ए सी होगा उतना ही एंगल आपका क्या मिलेगा, बी ए सी, इसका मतलब क्या वन हाफ एंगल हो जाएगा आपका। सेम यही अप्लाई करेंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू वन हाफ एंगल सी, करेक्ट। सो ए बी पैरेलल टू सी डी है आपके पास, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी आपका क्या हो गया, इज देयर ट्रांसवर्सल, इज देयर ट्रांसवर्सल, करेक्ट। सो देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, सो देयरफॉर जितना बी ए सी होगा, बी ए सी होगा उतना ही आपका क्या मिलेगा, डी सी ए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हो गए आपके, इक्वल हो गए। सो देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, अभी फिर से एक बार, दोनों एंगल कैसे हो गए, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, आपने प्रूव कर दिए इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी में क्या आएगा कि भाई एंगल डी ए सी जितना होगा उतना ही एंगल डी सी ए होगा, डी ए सी उतना ही डी सी ए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, करेक्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड करेक्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी, करेक्ट। सो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, करेक्ट। तो लिखो यहाँ पे ए बी
देखो यार ये दोनों एंगल सेम, तो ए बी इज, ए डी इज इक्वल टू सी डी आना चाहिए, ए डी इज इक्वल टू सी डी आना चाहिए, गलती हो गई थी, ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी तो आपके पास है ही, करेक्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी और दिस इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, सिमिलरली आपके बन जाएंगे। सो देयरफॉर चारों एंगल सेम हो गए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज एंगल डी, कितने के हो जाएंगे आपके 90 के हो जाएंगे। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा अच्छे से प्रूव किया गया, मतलब मेरे फॉर्म में मैंने इसको जितना हो सके उतना अच्छे से इसको कवर अप किया है। आपको चाहे दूसरे मेथड से आप सम सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 9, रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन को क्या गिवन है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसिस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी, सो द ट्राइंगल ए पी बी कॉन्जुगेट ट्राइंगल सी क्यू डी प्रूव करना है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू प्रूव करना है, राइट। डायग्राम देख लिया आपने, चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस तरह का डायग्राम बनेगा, ए बी सी, ये टाइप का इंटरफेस होगा ये वाला, और यहाँ पे ये पी एंड ये आपका मिलेगा क्यू, राइट। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंड आपका बी क्यू क्या बन जाएगा, बी डी, बी डी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बी डी आपका ट्रांसवर्सल बनेगा। सो देयरफॉर एंगल ए बी डी जितना होगा उतना ही एंगल सी डी बी होगा, करेक्ट, जितना एंगल ए बी पी होगा उतना ही एंगल सी डी क्यू होगा, राइट। अभी दो ट्राइंगल चूज करेंगे, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, इसमें सिमिलरिटी प्रूव करना ट्राई करेंगे। ए बी इज इक्वल टू पैरेलल है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर यहाँ पे, ओके। सेकंड, जितना ए बी पी होगा उतना ही सी डी क्यू होगा, इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू और दोनों ट्राइंगल्स, राइट। और इसके अलावा ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी, कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट, दोनों 90 डिग्री के हैं। सो दैट्स वाई यहाँ से क्या प्रूव होगा, ट्राइंगल ए पी बी जितना होगा इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी, कौन सा क्राइटेरिया आएगा, ए एस क्राइटेरिया से प्रूव होगा। इसके अलावा बाय सिंपलिसिटी से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जितना ए पी होगा उतना ही आपका क्या बनेगा, सी क्यू, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीड करो। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ए सी इज अ डायगोनल सो दैट एस आर पैरेलल टू ए क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी, सेकंड ये प्रूव करना है और सेकंड क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। चलो देखो यार ये जो डायग्राम आपने देख लिए, ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रूव नहीं करूँगा, सिर्फ लिखने का ही करूँगा, सिर्फ लिख के इसको मैं प्रूव, मतलब वर्ड में इसको बताएंगे प्रूव किस तरह करना है। इन ट्राइंगल डी ए सी एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ, डायग्राम देखते जाना, एस इज अ मिड पॉइंट, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD, so therefore SR parallel to क्या हो जाएगा आपका, SR parallel to क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, करेक्ट, एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से मानेंगे कि SR इज इक्वल टू 1/2 AC होगा। सेम इसी के फॉर्म में आपको और एक चीज प्रूव करनी है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया तो आपने प्रूव कर दिया कि मिड पॉइंट है तो एस आर पैरेलल टू ए सी हो गया है,
ओके एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी, ये क्वेश्चन वन हुआ। सेकंड नंबर प्रूव करना है आपको अभी। अभी ट्राइंगल बी ए सी लेना है, बी ए सी, इसमें क्या आएगा, सिंपल पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज अ, पी मिड पॉइंट है ए बी का एंड क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट। सो पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी बाय मिड पॉइंट। सो एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी तो आपको गिवन था, सो देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन सी फिनिश होता है, सॉरी सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9।